अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट इमरान शम्स मेमन। मोहतरम नाजरीन, आज दोबारा गामा लेक्स का फार्मूला बना रहा हूं। गामा लेक्स क्लासिक का आप लोगों की बहुत इसरार पर ये गामा लेक्स क्लासिक नोडल है, और आज मैं ये 12.5 किलो आधी बैग का फार्मूला में बनाऊंगा। सबसे पहले नोडल मैंने मिक्सर में डाली। मिक्सर में डालने के बाद ये 12.5 किलो नोडल है, ये आप चेक कर सकते हो दोस्तों। गामा लेक्स क्लासिक है और ज़बरदस्त नोडल है, फ़िलहाल तो अच्छी है। और ये टेलकम पाउडर है 1000 में से वाला 5 किलो, बिल्कुल फाइन क्वालिटी का ये टेलकम पाउडर है दोस्तों। 5 किलो टेलकम पाउडर डालेंगे 12.5 किलो नोडल में। आज की वीडियो आप लोगों की फरमाइश पे है, बहुत काफ़ी दोस्तों ने बोला था, इसीलिए ये वीडियो बना रहा हूँ। वाइट आयल हम डाल रहे हैं दोस्तों इसमें 500 ग्राम, और कोई भी इसमें इंग्रेडिएंट हम नहीं डालेंगे, जस्ट 500 ग्राम वाइट आयल डालेंगे, और टाइटेनियम 20 ग्राम इनफ है ये। तो 500 ग्राम हमने वाइट आयल और 20 ग्राम टाइटेनियम इसमें हमने अच्छी तरह इसमें मिक्स कर दी। टाइटेनियम आप लोग लिक्विड में मिक्स किया करो, क्योंकि टाइटेनियम जो है ना वो दिल से घुलती है, इसलिए लिक्विड में मिक्स किया करो। अभी ये सारा भी मिश्रण जो भी है वो हम इसमें डालेंगे मिक्सर में, और मेरा मिक्सर बहुत बड़ा है इसीलिए अभी मैंने नहीं चलाया हुआ है, मगर आप जो है ना मिक्सर चला कर फिर मटेरियल डाला करो। और झाग के लिए हमने इसमें डाला है SLS 50 ग्राम, तो ये SLS है, एक नंबर SLS है दोस्तों, ये 50 ग्राम हमने इसमें SLS इसमें शामिल कर दिया। और इसको अभी हमने मिक्सर को चला दिया है, मगर मैंने तो बंद करके माल डाला था, मगर आप ये गलती नहीं करना, आप मिक्सर हमेशा चला कर फिर माल डाला करो। और यहाँ से हमने बाहर निकाल दिया मिक्सर से, तो ये सिलिकेट दोस्तों हम इसमें पहला राउंड चला रहे हैं, और साथ साथ हम इसमें सिलिकेट 50 डिग्री वाला, ये देख सकते हो कितना शफाफ और ट्रांसपेरेंट सोडियम सिलिकेट था, ये जस्ट 1 किलो हमने इसमें डाल रहे हैं, मतलब माल के साथ साथ ही साथ हम ये सोडियम सिलिकेट भी प्लॉटर में डालेंगे, ताकि हमारा टांगड़ के साथ निकल आए। और ये दोस्तों राउंड पहला चल रहा है हमारा, और इसी को हम यहाँ पर रिपीट करेंगे दूसरा राउंड, वो भी मोटी जाली का हम दोस्तों रिपीट करेंगे, ताकि हमारी मिक्सिंग जो है प्लॉटर में अच्छी तरह हो सके। तो दो राउंड आप पहले टांगड़ के चलाया करो, मतलब मोटी जाली के, लार्ज नेट जिसको हम कहते हैं। आज हमारे पास मेरापुर में कुछ दोस्त आए हैं पंजाब मुल्तान और जंग से, उनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल चाल है सर? ठीक ठाक। क्या नाम है सर आपका? उसामा। पूरा नाम क्या है? उसामा आफ्ताब। तो आप कैसे मेरे पास आए? मेरा हमने आपका यूट्यूब चैनल देखा। अच्छा, हमारे साबुन में अतिश कैद वगैरह, हमने कहा चलो आपके पास चले हैं, आपसे क्योंकि काफ़ी अच्छे से काम कर रहे हैं, जिसकी वजह से हमने सोचा कि आपके पास आए, क्योंकि काफ़ी लोगों ने हमें आपकी तरफ रुझू किया। अच्छा, रुझू किया फिर आपकी तरफ आए? जी, आपकी तरफ रुझू किया है, फिर आपकी तरफ आए मुल्तान से मेहरापुर। आप मुल्तान से आए? मुल्तान से आए मेहरापुर। अच्छा, हमारे साबुन में थी शिकायत, रेड़े वगैरह आती थी। क्या शिकायत थी आपके साथ? रेड़े आती थी साबुन में। तो मसला आपका यहाँ आने से वो हल हो गया है? इंशाल्लाह ताला पूरी उम्मीद है हल हो गया है। जो फार्मूलेशन में यहाँ पे ये बना रहा हूँ जी जी, तो ये लोग कहते हैं कि मैं झूठ बोलता हूँ वीडियो में, गलत दिखाता हूँ, कुछ नहीं है आपके सामने फार्मूलेशन। हुई है कितना फ्लैट डाला है? 6 किलो। कितने में? 12 किलो में। 12 किलो नोडल में 6 किलो फिलर डाला है। फिलर में क्या डाला है मैंने? 5 किलो आपने टार्कम डाला है। हाँ, और 1 किलो सिलिकेट। 5 किलो टेलकम 1000 मेश वाला, 1000 मेश वाला, और 1 किलो सिलिकेट 50 डिग्री वाला। अच्छा, फार्मूलेशन पसंद आई? जी जी। चलो इंशाल्लाह साबुन ये बन रहा है जी जी। और जैसे बनेगा तो इसका रिजल्ट भी आपके सामने आ जाएगा। आपके, अच्छा ही लग रहा है। आपके साथ और कौन आया हुआ है? मेरे साथ ये भाई आया हुआ है जो मेरे साथ होता है, बिलाल साहब। अस्सलाम वालेकुम भाई जान। वालेकुम सलाम। थोड़ा सा ऊंची बोले, क्या नाम है? मोहम्मद बिलाल अहमद।
मोहम्मद बिलाल अहमद क्या करते हैं वहाँ पे मुल्तान में? साबरमती फैक्ट्री है वहाँ पर, उसी का। अच्छा, मतलब आप मशीन में, मशीन पे आप करते हो? क्या शिकायत थी आपके साबुन में? साबुन में दरार आती थी, थोड़ा सा वो फुरफुरा सा पैदा। अच्छा, दरारे आ रही थी और खुरदरा हो रहा था, मतलब खुश्क हो रहा था। चलो ठीक है, कुछ मसला हल हुआ? आप इतनी दूर से मेरे पास आए, यहाँ पे आके हमें बहुत फायदा हुआ है, हमने अपना साबुन का मसला, कोई टेंशन तो नहीं हुई यहाँ पे आने में? कोई टेंशन नहीं। रिहाइश की, खाने पीने की, कोई टेंशन, कोई फीस वगैरह तो नहीं? नहीं, कोई फीस नहीं। काम समझ में आ रहे हैं? काम समझ में। चलो आप अपना काम करें, बाकी आपसे बात करते जी। उसामा भाई, और आपके साथ कौन आया भाई? और मेरे साथ एक भाई आया है, शाहिद भाई, ये भी हमारे साथ होते हैं जी। शाहिद भाई सर, कहाँ से आप आए हुए? सर मैं बेसिकली झंग से। बेसिकली झंग से हो आप, तो काम समझ में आए? जी अल्हम्दुलिल्लाह। इतनी झंग से आप यहाँ पे आए, कुछ फायदा हुआ मेरे पास? जी इंशाल्लाह फायदा हुआ है। जी बिल्कुल। अच्छा, और उसामा भाई मुझे ये बताएं, आप इतनी दूर से आए हैं, मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, ये काम कैसा है साबुन का? साबुन का काम बहुत अच्छा है। अच्छा, बराबर काम है। अच्छा, ये बड़ा बेहतरीन काम है। अच्छा, आप अपनी प्रोडक्ट भी बनाते हैं? जी जी, हमारी अपनी प्रोडक्ट भी है। क्या वो दिखाएं थोड़ा सा मुझे प्रोडक्ट अपने? हम गुची के नाम से ना बना ये दिखाएं, मैं कैमरा यहाँ पे कर रहा हूँ। ये गुची का पिंक कलर है, बस ऐसे पैकिंग में दिखाएं। माशाल्लाह जबरदस्त है। 100 कितने ग्राम का है ये? 120 ग्राम का। दूसरा कौन सा कलर है इसमें? ग्रीन कलर भी है। ग्रीन कलर आ गया, ये वाला पर्पल कलर आ ये गया, पर्पल कलर आया, व्हाइट आ गया, व्हाइट आ गया, और ये भी व्हाइट है। ये कितने ग्राम में छोटा? 45 ग्राम में। ये कितने का कोई साबुन ले तो कितने का देगी आप? ये हम तकरीबन दे रहे हैं 22 रुपए का। 22 रुपए का एक? जी जी, होलसेलर को, मतलब होलसेलर को। और वो ए ग्रेड माल है। और ये दूसरे साबुन, ये वाला हम दे रहे हैं 65 रुपए का, ये भी ए ग्रेड माल है। ये भी ए ग्रेड माल है, 65 रुपए का। जी जी। कोई दोस्त आपसे साबुन लेना चाहे तो आप कौन से नंबर पे मिलेंगे? आप अपना नंबर मुझे बताएं। 0312-9632-5675-567। ये उसामा भाई का नंबर है मुल्तान से। किसी भी भाई को साबुन वगैरह चाहिए तो ये उसामा भाई से रब्ता कर सकता है। और इस भाई, उसामा भाई का नंबर भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा। और सर आप इतनी दूर से आए हैं मेरे पास, कोई तकलीफ तो नहीं आने? नहीं, नहीं। अच्छा, लोग परेशान होते हैं सिंध जाना है, पता नहीं क्या नहीं, है नहीं, कोई मैं बहुत अच्छा लगा इधर आके। अच्छा, मैं बड़ा अच्छा फायदा भी हो और आपको तो मोहब्बत भी बहुत अच्छी है। चलो बड़ी मेहरबानी, किसी किस्म का कोई मसला नहीं है, और भी दोस्त आना चाहे तो आ सकते हैं, कोई मसला ही नहीं है इधर आने का किसी किस्म का। ठीक हो गया। जिसको भी साबुन में शिकायत आती है वो आपकी तरफ आए, जिससे उसकी प्रॉब्लम, किसी को केमिकल वगैरह चाहिए, नोडल चाहिए, मशीनरी चाहिए, काम सीखना है, वो भी आपको मैं सिखा दूंगा। तो ये दोस्त आए हुए हैं, अभी हमारी मशीन का ये प्रोसेस चालू है, तो अभी मच्छर जाली हम लगाएंगे। मोहतरम नाजरीन, ये तीसरा राउंड हमारा चालू हो चुका है मच्छर जाली का, जिसको हम थिन नेट कहते हैं। ये बिल्कुल बारीक नेट होती है, इससे हम एक राउंड निकालेंगे। मैंने एक राउंड निकाला है, आप दो राउंड निकालेंगे तो साबुन आपका और भी बेहतरीन बनेगा। तो ये मच्छर जाली का राउंड है तीसरा, इसके बाद जो राउंड होगा वो भी मैं आपको बताऊंगा कौन सा राउंड होगा। ये यहाँ से हम माल डाल रहे हैं और ये मच्छर जाली का राउंड हमारा निकल रहा है। तो दोस्तों इसके बाद जो है अगेन हम मोटी जाली चलाएंगे, ताकि इसके बाद हम खुशबू इसमें मिक्स करेंगे। अगर हम मच्छर जाली में खुशबू मिक्स करते हैं तो वो मिक्सर में फंस जाती है नोडल, और खुशबू सही तरह मिक्स नहीं होती। और जब हम टांगर मतलब मोटी जाली चला के और खुशबू मिक्स करते हैं तो परफेक्ट खुशबू हमारी मिक्स हो जाती है और साबुन में क्रैक्स भी नहीं आते हैं। यही वजह होती है, काफ़ी दोस्त परेशान होते हैं क्रैक्स के बारे में, और बहुत सारी वजह आते हैं जो मैं क्रैक्स के बारे में बताता रहता हूं अक्सर। तो अभी हम खुशबू हम डालेंगे 125 ग्राम 1% के हिसाब से,
मेरा आधी बैग का माल था, तो मैं 125 ग्राम खुशबू डाल रहा हूँ। दोस्तों ये खुशबू भी मेरे पास अवेलेबल होती है 4,500 रुपया फी किलो के हिसाब से। अगर किसी को चाहिए वो भी मुझसे रब्ता कर सकता है। तो 125 ग्राम फ्रेगरेंस हम शामिल कर रहे हैं। मिक्सर में हमने माल डाल दिया है और मिक्सर चलाकर फिर हम इसमें खुशबू ऐड करेंगे। तो अभी मिक्सर हमने चला दिया है और खुशबू हम ऐड कर रहे हैं और इसको अच्छी तरह 2 से 3 मिनट आप मिक्स करें दोस्तों, उसके बाद मिक्सर से आप निकालें। वीडियो लंबी हो रही है इसलिए मैं शॉर्ट बना रहा हूँ। तो मिक्सिंग के बाद हमने माल बाहर निकाल दिया है एग्जिट, और इसके बाद हम लॉन्ग बार की तरफ जाएंगे। और जो नए लोग आए हैं मेरे चैनल पे, जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक तो करना हमेशा नहीं भुला करें, और कोई बात समझ में नहीं आए तो नीचे कमेंट्स बॉक्स में आप मुझसे पूछ सकते हो, या मेरा व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे चल रहा है 0300-322-4434। ये लॉन्ग बार दोस्तों, शाइनी लॉन्ग बार, आउट क्लास का लॉन्ग बार हमारा निकल रहा है। लॉन्ग बार प्रोसेस हमारा चालू है आपके सामने। मैंने आपको हर एक चीज़ आपको बताई है, कोशिश किया करें मेरी डिस्क्रिप्शन आप ज़रूर पढ़ लिया करो, उसमें ईच एंड एवरीथिंग होती है। साबुन में कितना केमिकल पड़ा हुआ है, क्या कॉस्टिंग आई है, एक साबुन आपको कितना पड़ा, लेबर कितनी लगी, इस पर मजदूरी कितनी आई, गत्ता कितना आया, रैपर कितना आया, मतलब हर चीज़ मेरी वीडियो में होती है। ये दोस्त था मेरा जंग से आया हुआ था काम सीखने और समझने। तो अभी वायर कटर का हमारा प्रोसेस हमारा चालू है, वायर कटिंग हम कर रहे हैं दोस्तों। सिंपल सा वायर कट रहे हैं, लोग बड़ी बड़ी मशीनें बनवाते हैं, कोई ज़रूरत नहीं है वायर कटर की कोई महंगी मशीन बनाने के लिए, ये जस्ट 10,000 की मशीन बन जाती है। और ये पंचिंग का प्रोसेस हमारा चालू है, साबुन हमारा पंच होने लगा है। पंचिंग प्रोसेस मैनुअल पंच हमेशा लिया करो, कभी भी ऑटो पंच नहीं लिया करो, क्योंकि ऑटो पंच से अक्सर लोगों की उंगलियाँ कट जाती हैं, इसीलिए मैं मना करता हूँ। तो साबुन हमारा रेडी है, सो पंचिंग प्रोसेस हमारा चालू था। और ये चमकदार ज़बरदस्त सोप इज रेडी। और इसके साथ मुझे इजाज़त दीजिएगा, मिलते हैं अगले वीडियो में। पाकिस्तान जिंदाबाद।